virus spreading rapidly without America leading in confirmed cases scanning. Analyst reveals low signs of motivation, low signs of inspiration, and a high willingness to waste time. This might seem like a waste of time, but pattern recognition helps your brain to get into the flow state, which can boost creativity up to 400%. So you can write your script or not. Learning something new can help your brain in the same way by practicing your creative muscles. Or just give up. Hey guys, my name is Nilesh Jetli and this is the state I'm in. मैं basically लिखने के लिए बिल्कुल motivated feel नहीं कर रहा हूँ और usually जब मैं motivated feel नहीं करता, I usually go out. मैं बाहर जाता हूँ, मैं आराम से गाड़ी चलाता हूँ, I drive around अच्छे से मौसम में गाने सुनते सुनते and I feel energized और मैं फिर से motivated हो रहता हूँ एक तरीके से. But basically I feel fresh, ठीक है, और फिर मुझे ideas better आने शुरू होते हैं. But obviously मैं अभी ये चीज़ नहीं कर सकता. We are living in the lockdown. मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों ऑलरेडी बाहर जा रहे हैं गवर्नमेंट ड्यूटी की वजह से, बिकॉज दे बोथ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. तो इसलिए मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहा. आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि मैं बाहर जाने की आदत है व्हेन आई डोंट फील मोटिवेटेड एंड राइट नाउ आई कैन नॉट. तो गाइस, इससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, लाइक व्हाट इज दिस गोइंग ऑन विद बॉयज लॉकर रूम, गर्ल्स लॉकर रूम. मतलब मुझे इतना पता है कि कोई इंस्टाग्राम ग्रुप पे कुछ लड़के काफ़ी अजीब घटिया बातें कर रहे थे कुछ लड़कियों के बारे में, और कुछ लड़कियों का भी ग्रुप मैंने जिसमें बहुत अजीब घटिया बातें कर रही हैं लड़कों के बारे में. मैं इंस्टाग्राम में कुछ ग्रुप्स में एडेड हूँ, जिन ग्रुप्स में मैंने अपने आप को ऐड नहीं करा. मुझे पता नहीं इंस्टाग्राम के ग्रुप्स कैसे काम करते हैं, सारे यूट्यूब से रिलेटेड हैं बाय द वे, जस्ट सो यू नो. बट आई वाज लाइक ओके, मुझे देखने पड़ेंगे ग्रुप्स हैं किस बारे में और मुझे रिमूव करना पड़ेगा अपने आप को. अगर कुछ भी किसी में उल्टा है तो मैं अपने आप को सब ग्रुप्स से रिमूव कर दूँ, बिकॉज इंस्टाग्राम पर ग्रुप क्यों करना. जो ऐसी मुझे वेट चीज़ लगी वही है कि आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ दिस इज़ राइट, बट आई एम सेइंग इज़ कि ऐसे क्यों रिएक्ट करें जैसे कोई नई चीज़ है. इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ये कोई नया इशू या नई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस सेम पुरानी प्रॉब्लम है जो कि एक नए प्लेटफॉर्म पर हो रही है. आई एम श्योर 1990s में टीनेज किड्स ऐसी बातें मिलकर करते थे आपस में. इस चीज़ को कोई नई प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को उस प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करने की ज़रूरत है जिस प्रॉब्लम को अब तक हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं. इट्स नॉट अ सिंपल प्रॉब्लम इफ इट इज़ अ प्रॉब्लम, सो यू रियली नीड टू थिंक अबाउट दिस. वेल आई डोंट नो, मैं मे बी टेंस अपना पॉइंट नहीं रख पाया हूँ, बट आई थिंक आई मेड इट प्रीटी क्लियर. तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ पर फोकस करेंगे, इसकी डीपर प्रॉब्लम पर फोकस करना चाहिए. आई थिंक देर इज़ द कम्युनिटी इफेक्ट. हमारी कम्युनिटी में एक टैबू है लड़के और लड़की एक साथ, लड़कों और लड़कों लड़कियों को कम्प्लीटली अलग रखा जाता है. एंड द थिंग इज दैट कैन नॉट बी राइट. मतलब अगर तुम एक जेंडर को कम्प्लीटली अलग रखोगे दूसरे जेंडर से, तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द अदर जेंडर. जैसे कि हम बहुत सारे देखते हैं कि कुछ लड़कियां जिनके भाई नहीं होते या कुछ लड़के जिनकी बहनें नहीं होती, दे हैव अ हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग द अदर जेंडर, एंड ऑब्वियसली दे डू. स्पेशली हमारी कम्युनिटी में तो उनको अलग रखना ही पड़ता है जब तक शादी ना हो ऑब्वियसली. एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जिस स्कूल से मैं पढ़ाऊँ, मेरे जाने के बाद की स्टोरी है, तो हो सकता है बिल्कुल झूठो, हो सकता है सच हो, आई डोंट नो. बट एक लड़का और लड़की कॉरिडोर में आपस में बात कर रहे थे एंड टीचर्स ने देखा, टीचर्स ने आते उन्हें मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि लड़का सीढ़ियों से नीचे गिर गया. ना हो सकता है स्टोरी सच हो सकता है स्टोरी झूठो, बट द थिंग इज ये स्टोरी पॉसिबल है एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? कि अगर ये स्टोरी सच में ना भी हुई हो मेरे स्कूल में, तो हो सकता है कहीं और हुई हो, मैंने सुनी है, बट हो सकता है अगर ना भी हुई हो तो ये चीज़ पॉसिबल डेफिनेटली एंड दैट्स अ प्रॉब्लम. एंड अगेन हो सकता है कि इस बारे में मैं कंप्लीटली रॉन्ग हूँ, बिकॉज US में इस चीज़ को एज अ टबू नहीं देखा जाता और US में रेप और सेक्शुअल क्राइम्स हमारी कंट्री से ज़्यादा हैं. तो हो सकता है आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग अबाउट दिस, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, ऑलमोस्ट हर बच्चा रिलेशनशिप में, हर लड़की हर लड़का, राइट? एंड और ज़्यादातर उनमें से अपने पेरेंट्स को इस बारे में नहीं बताते हैं. आई थिंक दैट्स रॉन्ग, क्योंकि सिर्फ सेफ्टी के परस्पेक्टिव से देखो, इज इट बेटर टू बी इन अ रिलेशनशिप एंड हाइड इट फ्रॉम योर पेरेंट्स और टेल इट टू योर पेरेंट्स. एनीवेज गाइस, मैं पूरी वीडियो में इसी के बारे में बात नहीं करना चाहता. आई थिंक आई एम डन टॉकिंग अबाउट दिस. आई थिंक वी शुड बी मोर फ्रैंक एंड मोर ओपन. टू जेंडर्स आर जस्ट टू जेंडर्स, ठीक है? बी ओपन अबाउट द आइडिया ऑफ टू जेंडर्स बींग टूगेदर. एनीवेज, सो आई एल एंड दिस टॉपिक राइट नाउ एंड आई एल मूव ऑन विद द व्लॉग. लेट्स गो. तो गाइस, हमारी लाइफ में बहुत सारी सब पर्सनैलिटीज़ होती हैं, बट वीडियो को बहुत ज़्यादा सिंपल करने के लिए और इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में रहने के लिए ऐसे बात करते हैं जैसे सिर्फ दो होती हैं, द गुड एंड द बैड. तो जो गुड वाली होती है ना, वो चाहती है हम ऐसी चीज़ें करें जो हमारे लिए अच्छी हैं, जैसे राइट योर स्क्रिप्ट या फिर योगा करो या मेडिटेशन. और जो बैड वाली होती है वो दूसरी चीज़ें करती है, जैसे यू नो प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड ईटिंग जंक फूड. अब इन दोनों पर्सनैलिटीज़ का नेचर आपस में इतना ऑपोजिट होता है कि ये दोनों पर्सनैलिटीज़ हमेशा आपस में लड़ती रहती हैं.
और इनकी लड़ाई हमारी लाइफ को आगे लेकर आती है, और इनकी लड़ाई हमेशा टक्कर की होती है काफी। मेरी लाइफ में इनकी लड़ाई अभी थोड़ी सी ऐसी चल रही है। ऑलराइट गाइस, तो मेरी जो लाइफ है उसमें जो गुड है ना, आई नीड टू स्ट्रेच। यस, दिस फील्स गुड। अब रामदेव, एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था जो मेरी लाइफ में गुड है ना, वो बहुत बुरा पिट रहा है इस टाइम पे बैड से। और रीज़न बीइंग, मैं शॉर्ट फिल्म के राइटिंग स्टेज पे हूँ। अब राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो तुम कंप्यूटर के सामने नहीं कर सकते या फिर अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मुझे वीडियो एडिट करनी है, मैं प्रीमियर प्रो खोलता हूँ और मैं सामने बैठ जाता हूँ। अब मैं कुछ और कर ही नहीं सकता, मैं एडिट ही कर सकता हूँ। राइट, राइटिंग में ऐसा नहीं है। राइटिंग में यू नीड टू थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, और तुम्हें कंप्यूटर के सामने आइडियाज़ नहीं आते। मोस्टली आइडियाज़ तुम्हें बाहर आते हैं, और कंप्यूटर पर आकर तुम जस्ट उन आइडियाज़ को कन्वर्ट करते हो इन एक्शन एंड इन डायलॉग्स। एंड दूसरी चीज़, जो उसका जो कर्सर होता है ना, जो ब्लिंक करता रहता है, इट्स लाइक व्हाट यू गॉट, शो मी व्हाट यू गॉट। क्या है, कुछ सोचा, कुछ लिख रहा है कुछ, दैट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग एज वेल। तो इसलिए यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम द कंप्यूटर। एंड देन आई मूव अवे फ्रॉम द कंप्यूटर, देन द बैड इन मी इज़ लाइक, ओह नाउ वी आर अवे फ्रॉम द कंप्यूटर, व्हाट आर वी गोइंग टू डू। और उसके पास बहुत अच्छे बहाने भी होते हैं कि हम नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, स्टोरी टेलिंग सीख सकते हैं, वी कैन प्ले गेम्स, वी कैन ईट फूड, देर आर सो मेनी थिंग्स बैड कैन डू विद गुड एक्सक्यूजेस। नाइस स्ट्रेच। एंड आई थिंक मेरे साथ नहीं है, ये सबके साथ है, जितने भी राइटर्स होते हैं सबके साथ। सो वी नीड टू फाइंड अ वे टू मेक गुड विन, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सब राइटर्स के लिए। एंड दैट्स द रीजन यू नीड टू शेयर दिस वीडियो एज वेल। ओके गाइज, अगर वीडियो पसंद आई है तो सिर्फ शेयर नहीं, लाइक भी कर देना। और अगर इतनी देर से देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, करिए दो। एनीवेज, तो ये बेसिकली मैं बेड वाला सीन एडिट कर रहा हूँ, देख लो कितना टाइम लग रहा है। टाइम इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इस प्रोसेस में लगता है, इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने सोचा है ग्रीन स्क्रीन की किसी जरूरत, मैं ऐसे ही कर लूँगा। और आई थिंक आई एम डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब एट इट, शॉर्ट से आया था राइट। तो एडिटिंग काफ़ी अच्छी चल रही थी, बट देन ऑफकोर्स लाइट चली गई। मैं उठ के सुसाइड करने ही वाला था, घर वालों ने बोला कि सुसाइड मत कर, ग्रीन स्क्रीन से शूट कर लियो फिर से। मैंने कहा सही कह रहे हो। तो गाइस, मुझे एक नई ऐप मिली है जिसका नाम है टॉगल। अब ऑब्वियसली ये वीडियो टॉगल से स्पॉन्सर्ड नहीं है, इस चैनल को भी कोई भी स्पॉन्सर नहीं करेगा, बट दिस ऐप माइट बी द आंसर कि मैं फिर से लिख पाऊँ। यूजुअली क्या होता है, जब भी हम लोग उठते हैं सो के और हम सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ, जब तक हमारा शेड्यूल नहीं होता हम कुछ करते नहीं ऑनेस्टली, और हम ज़्यादातर अपना टाइम वेस्ट करते हैं राइट। बट टॉगल इज़ नॉट अ शेड्यूलिंग ऐप, मतलब कि मैं शेड्यूल करूँगा दे, जो कि मैं करना शुरू कर रहा हूँ बाय द वे। बट टॉगल इज़ लाइक अ टाइम ट्रैकर ऐप। जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूँ मैं उसमें डाल रहा हूँ कि ओके मैं शुरू कर रहा हूँ, जब मैं खत्म करता हूँ मैं डालता हूँ मैं खत्म कर रहा हूँ। एंड हर चीज़ का, जो भी चीज़ मैंने करी है दिन में, उसका टाइम ट्रैक रखता है टॉगल। एंड बाय द एंड ऑफ द डे मैं देख सकता हूँ मैंने किस चीज़ में कितना टाइम लगाया और किस चीज़ में कितना टाइम लगाया। मैंने अभी एक ही दिन यूज़ करी है वो ऐप, तो बेसिकली अब तक तो मेरे साथ बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें मैंने अराउंड 10 घंटे डाले थे, जिसमें से मोस्ट ऑफ इट वॉज वर्क, सो आई वॉज हैप्पी अबाउट इट। एंड आई डोंट नो, आई थिंक दिस माइट एक्चुअली वर्क। मुझे बहुत टाइम से बता था मुझे शेप की जरूरत है, बट मैंने सोचा क्या ही करने, और आई कट माय सेल्फ फास्टली। इट्स ऑल राइट, दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू कीप टॉकिंग व्हाइल यू आर शेविंग राइट। आर यू लाइक सरप्राइज्ड कि मैं शेव करता हूँ? कहते हैं ना कि शेव करने से दाढ़ी अच्छी हो रही है, इट्स नॉट ट्रू, आई एम एन एग्जाम्पल। और मैंने इसलिए शेव करी भी नहीं थी, बट इट्स इसलिए कि क्या होता है, शेव करने से बाल बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कट जाते हैं, एंड इट स्टार्ट्स टू फील हार्ड, एंड दैट्स व्हाई पीपल थिंक शेव करने से दाढ़ी जैसी बाल आ जाते हैं, समथिंग आई डोंट नो लोग ऐसे क्यों सोचते हैं, बट दैट्स ऑल। मैं एक बहुत पुराने ब्लॉग में मैंने साबुन से शेव करी थी, आई डाउट किसी को भी याद होगा, बट आई रिमेंबर उसका नाम भी है तो ब्लॉग का, डोंट वॉच दिस ब्लॉग, शायद मुझे ढंग से याद नहीं, बट इट डेट गेट सम व्यूज, तो मुझे फिर से टाइटल्स डालने चाहिए आई थिंक। ओ मैंने दो जगह काटे, ओके दिस इज द फर्स्ट नाउ, मैंने पहली बार दो जगह काटा अपने को, ठीक है। मैं हमेशा नहीं काटता, मैं बहुत रेयर अपने को काटता हूँ, बट आई एम स्पीकिंग ओके, मैंने बहुत घटिया काम करा है शेव करने में। It's alright, I can fix it just like this. Yep, it works.